अलग अलग सब्जेक्ट लिया था लैंग्वेज में, तो जानते हैं 6 से 8 में 4 तो लैंग्वेज ही है, फिर सोशल साइंस साइंस है, तो लैंग्वेज के लिए तो अपॉर्चुनिटी खुलनी चाहिए और हमारी कोशिश रहेगी कि सीटें जो है वो फुल हो, सभी को जॉब मिले। तो इस बारे में फिर से समीक्षा मैंने कहा है, समीक्षा हम लोग मंडे को करके फाइनल रूल देख लेंगे, बट ये फिर से कहेंगे रूल इज रूल, हम रूल से बंधे हैं, अपनी मन मर्जी से कुछ भी आपके हिसाब से नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार समीक्षा जरूर। SC ST में 54% है, उनको वेटेज नहीं मिलेगा, 54.99 भी होगा तो नहीं मिलेगा, 55 एंड एवब जिनका भी होगा, बीटेट हो या सीटेट हो तभी उनको वेटेज मिलेगा। ये आप लोग क्लियर बोल लीजिए, जहाँ भी अगर वेटेज मिला है तो गलत है, वो ऑटोमेटिक जो है वो रद्द हो जाएगा। कुछ लोगों ने लिखा जंगल पहाड़ में भेज दीजिए लेकिन मेरा सिलेक्शन करवा दीजिए। हमारे राज की ब्यूटी है कि जंगल पहाड़ भी है, तो सभी जगह की अपने अपनी ब्यूटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एफिडेविट देने के बाद परेशान किया जा रहा है, कहाँ परेशान किया जा रहा है, स्पष्ट लिख के भेजिए एफिडेविट आपके नाम में, मदर फादर कहीं भी कोई भी एरर है अल्फाबेटिकल, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमने कहा था। एक लड़की का केस है, बहुत अलग है, 3 सर्टिफिकेट, तीनों में अलग अलग नाम, बोर्ड में कुछ है, 10+2 में कुछ है, ग्रेजुएशन में कुछ है, और कहीं पे कुमार है, कहीं पे लगा दिया दुबे, लगा हटा हुआ है तो कुमार हटा हुआ है, तो आप समझ लीजिए किस तरह का था। बेगूसराय का एक बहुत टिपिकल केस था, और उन्होंने एफिडेविट दिलवाया, मैंने बात किया, फिर मैंने कहा कि स्ट्रीम लाइन करिए इसको, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम फॉर्म भरते समय कभी कुमार भूल जाए, कभी कुमार लगा दे, कभी माता में कुछ कर दे, कभी पिता में कुछ कर दे। हम ये मान सकते हैं कि W की जगह V हो सकता है, या ये लगाना है ये छूट गया हो, I की जगह EE हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ अपने फॉर्म भरते समय 1-2 अल्फाबेट कर सकते, लेकिन सरनेम गायब हो जाए, बीच में से कुमार गायब हो जाए, कुमार लग जाए, ये जो है आप सीधा सीधा दिखाता है कि स्टूडेंट लाइफ में आप लोग इतने ज़्यादा जो है कैजुअल कैसे हो सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये कुछ देखा गया है। लेकिन फिर भी उसके लिए भी एफिडेविट लेकर जाइएगा, कोई परेशानी नहीं। ब्लॉक वाइज नहीं, विषय वार होना चाहिए दरभंगा का, ये आप लोग कह रहे हैं। बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट आप लोगों ने कहा, NIOS वाले का है, उन्होंने कहाँ से किया है इसे कुछ पता नहीं है, वो सब हम लोग चेक करवाएंगे। सारण डिस्ट्रिक्ट में मेरा सवाल एक्सलेंस चल रहा है, सीटेट बीटेट नाम है, अचानक क्या लिखे हैं आप लोग, पंकज कुमार के जल्दी आप आवाज, पंकज लिखा प्लीज हेल्प भी, तो आप क्वेश्चन करिए कि क्या आपको दिक्कत हुई है, आप मुझे बताइए। अच्छा, मेल किया है तो मेल के हिसाब से उस पर एक एक जो भी रिएक्शंस हैं, जो उसके हमें जो उस पर लेना है एक्शन हम लोग ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको एक जानकारी मैं जो भी दिव्यांगजन है उनके लिए मैं देना चाहता हूँ, ये टीका जो 2017 में और 2021 में आया है, उसमें 2017 में जो है वो आप लोग क्रम वाइज में आपको बताता हूँ, सबसे पहले आई जो ब्लाइंड है उनके लिए है, फिर जो है श्रवण जिनको दिक्कत है, फिर है लोकोमोटिव जो अस्थि जिनको दिक्कत है, और तीसरा जो है वो है मनोविकार जो होती है, तो ये 4 टाइप के जो आपको दिव्यांगता है। उसके बाद उन्होंने उसी के साथ जो है मल्टीपल जो जिनको डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बाद मेंटल डिसेबिलिटी दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया था, 4 टाइप ही है, 21 में भी है, 17 में भी, लेकिन एक सब आपके लिए जो अच्छी चीज़ वो है कि जिस कैटेगरी में नहीं मिलते हैं दिव्यांग, तो वो कैटेगरी जो है वो 1, 2, 3, 4 है, वो चक्र के हिसाब से उसको घुमाना है, उस कैटेगरी में नेक्स्ट टाइम उसको करना है। दिक्कत है कि एट ए टाइम तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, अगर मान लीजिए
मैक्सिमम जो होते हैं वो सबसे अधिक अगर दिव्यांग है तो 80 है, और हमारा जो है वो इंटेलेक्चुअल है, फिर आप देखेंगे कि ब्लाइंड या फिर श्रवण से संबंधित जो है उनकी संख्या कम होती है। अगर मल्टी डिसेबिलिटी है तो उस तो हम लोग उसमें सॉल्व कर लेते हैं, बट जब ये चीज़ें होती है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे तो उसको करने का रूल है। बट यही है कि फर्स्ट राउंड में खाली रहा, सेकेंड राउंड में आएगा, थर्ड राउंड में आएगा, फोर्थ राउंड में आएगा, ऐसे करके कर सकते हैं, एट ए टाइम हम डिसाइड नहीं कर सकते। आप सब देखें, हम लोग उस रूल को भी हम लोग, अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी तो उसको हम लोग एंडोर्स कर देंगे और उसको स्पष्ट कर देंगे, भेज देंगे। तो आप लोगों का कंटिन्यू आ रहा था कि अच्छा एट ए टाइम जो है आप लोग पहुँच गए, बहुत कॉल्स आए जो एट ए टाइम मैं पहुँचा हूँ, यहाँ देखिए श्रवण का है या फिर ब्लाइंड का है, दृष्टिबाधित वाले मेरा अस्थि का है करवा दीजिए, वो उसको एट ए टाइम पॉसिबल नहीं है। तो फिर तो क्या होगा कि नियोजन इकाई अपने हिसाब से गलत कर सकती है और फिर वो अलग ही कहानी हो जाए। इसलिए नेक्स्ट राउंड के लिए एक बार हम लोग उसको देख ले और उसके हिसाब से नियम है, नियम आप लोगों के हेल्पफुल हो। तो गायघाट प्रखंड में नियोजन बड़े पैमाने पे तो गायघाट को रद्द किया गया है। गायघाट में जो भी पंचायत का प्रॉब्लम था और पारू का तो 100% हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। फैन को ऑन कर दीजिए जरा। इसके आधार पर हमने कहा भी था कि चेक हो रहा है और जहाँ पे दिक्कत हो रही पकड़ में आ रहा है वो आप सभी को इन्फॉर्मेशन देते हैं कितने सारे लोग पकड़े गए हैं और बड़ी संख्या में लोग पकड़े भी गए। सीकेट के लिए कुछ करिए नियोजन को, देखिए हम लोग कोशिश है कि नियोजन कम से कम जहाँ गड़बड़ी नहीं हो रही, लेकिन ये नहीं कॉन्सिंग हो गई रद्द कर रहे हैं ऐसा नहीं। बहुत सारे मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि 400 नियोजन इकाई में रद्द हो गया। आप सबको कंफर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ, नियोजन से पूर्व जहाँ गड़बड़ी थी उसको रोका गया था ड्यूरिंग नियोजन, सॉरी कौंसलिंग के, कौंसलिंग के दरमियान जो पकड़ा गया वो सब कुछ ब्लॉक थे, पंचायत थे, कुछ कैसे थे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ये इस मैसेज के बाद वो परेशान हो गए, मेरे यहाँ का भी हो गया क्या, मैंने जहाँ कौंसलिंग किया हुआ तो मेरा चयन उसका भी हो गया क्या, ऐसा नहीं है। जो भी चयन हुआ और जहाँ कैंसिल किया गया या कौन कैंसिल करने की प्रोसेस में थी, जहाँ गलती की गई वीडियोग्राफी नहीं हुई, माइकिंग नहीं हुई है, रूम बंद कर दिया गया या पीछे से आने नहीं दिया गया, बहुत चीज जहाँ थी।